किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ संदीप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। आज हम एक बहुत ही शानदार पोल्ट्री फार्म पर आए थे, जो कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको इस फार्म के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो फार्म आप देख रहे हैं ये 3000 वर्ड का फार्म है, यानी कि 3000 मुर्गे इसके अंदर हैं। और इस फार्म की जो लंबाई है वो 200 फीट है, यानी कि जो इसकी लंबाई वो 200 फीट है और चौड़ाई जो है 25 फीट है। यहाँ पर पूरा आधुनिक सिस्टम है, यानी कि फुहारा सिस्टम इसमें है, पंखा इसमें लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ड्रिंकर फीटर इसमें है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये फार्म बनाया गया है। और इस फार्म को बनाने में जो खर्चा हुआ है दोस्तों वो 6 लाख रुपये है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप कुछ ओरिजिनल इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो इसमें आप 3000 मुर्गे हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसमें दाने की सुविधा यहीं पर की जाती हैं, मुर्गों को छोटे उन्हें काप स्टार्टर दिया जाता है, यानी कि वो स्टार्टर होता है, उसके बाद में जो आखिरी में जो होता है फिनिशर, ऐसे फिट का नाम होता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हैं तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको पोल्ट्री के लिए फार्म बनना पड़ेगा, जो कि पोल्ट्री फार्म आपका होगा मुर्गों के लिए। तो अगर आप 1000 मुर्गे से शुरू करते हैं, यानी कि 1500 अगर मुर्गे से आप शुरू करते हैं, तो आपको 1000 फीट उसकी लंबाई, 100 फीट उसकी लंबाई करनी होगी और 25 फीट आप उसकी चौड़ाई रख सकते हैं। ऐसे आपका 1500 मुर्गे का फार्म तैयार हो जाएगा। इस फार्म के हिसाब से आप अपनी ये मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको चूजे खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके आसपास जो भी पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर जाकर देखें, उनसे बात करें और उन्हें पूछिए कि आपके यहाँ पर चूजा कहाँ से आता है, क्या सिस्टम है। आप पूरी जानकारी वहाँ से एकत्र करें, उसके बाद ही आप पोल्ट्री फार्मिंग करें। और अगर आपके परिवार के सदस्य या फिर आपके पास लेबर हैं तो ही आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करें, नहीं तो आप इसे मैनेज नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, नुकसान इसमें नहीं है, बट क्या होता है सही मैनेजमेंट ना होने के कारण आपके मुर्गे मर सकते हैं, उन्हें सही दवाई सही दाना ना मिलने के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो आप वहाँ पर जाँच करें, उसके बाद ही आप पोल्ट्री फार्म शुरू करें, तो आपको चूजे भी मिल जाएंगे, वो आपको जानकारी दे देंगे। चूजे खरीदने के बाद क्या होता है, आपको उन्हें अपने फार्म पर पालना पड़ता है, यानी कि आपके फार्म पर वो चूजे जो 40 से 45 दिन तक आपके फार्म में रहते हैं, जो कि चूजे लाने के 6 दिन बाद आपको वैक्सीन करनी पड़ती है, यानी कि 6 दिन बाद डॉक्टर आता है आपके फार्म पर, वो इसमें उनके आँखों में या फिर मुँह में दवाई डाल देते हैं। उसके 10-12 दिन बाद फिर से एक वैक्सीन होती है, जो कि आप जो ये ड्रिंकर है पानी के इनमें मिलाकर आप उन्हें दे सकते हैं। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम इनमें दाना डालना पड़ता है, पानी बदलना पड़ता है, यानी कि पानी अगर ऑटोमेटिक है तो अपने आप आ जाता है। ऐसे काफ़ी सारी मेहनत इसमें होती है। और 45 दिन तक आए चूजे आपके फार्म पर रहेंगे, और ये जो आप बर्ड देख रहे हैं ये 20 दिन के हो चुके हैं, यानी कि 20 दिन इन्हें हो चुके हैं और 20 दिन और ये इस फार्म पर रहेंगे। और अगर बात करूँ मैं इसमें होने वाली आपको कमाई की, तो कमाई का ये है दोस्तों कि इस मुर्गे का रेट इधर उधर होता रहता है, यानी कि अगर आप होल सेल में देखेंगे तो आपको क्या है 120 रुपये किलो ये मुर्गा पड़ता है, परंतु थोक विक्रेता को आपको देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पर करते हैं तो ऐसे इन्हें आप छूट पूट पर नहीं बेच सकते। तो ये मुर्गे का रेट जो आपको 75 से 80 रुपये किलो पड़ता है, इधर उधर मैं बोल रहा हूँ कम ज़्यादा होता रहता है, परंतु इतना आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर 80 रुपये किलो आपका पड़ता है, तो ये मुर्गा जो है 45 दिन आप मान के चले, तो 45 दिन में आपका जो एवरेज वज़न जो आएगा 2 किलो 200 ग्राम 2 किलो 300 ग्राम ऐसे आता है हर एक मुर्गे का। तो अगर हम इसका एवरेज माने 2 किलो 200 ग्राम माने, तो अगर आप 1000 मुर्गे पालते हो अपने फार्म पर, यानी कि 1000 बर्ड आपके फार्म पर हैं, तो उनका जो टोटल वज़न जो होगा 2200 किलो उनका वज़न होता है, क्योंकि 45 दिन बाद आपके फार्म पर गाड़ी आ जाएगी, उसमें आपको मुर्गे भरना पड़ता है, तो उनका वज़न है 2200 किलो होगा। और अगर 80 रुपये किलो से हम जोड़ें तो आपको कुल 1,76,000 रुपये मिलेंगे, जो कि आपको एक मुर्गे से कमाई होगी। और ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध कमाई है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि दाना खरीदने में, चूजा खरीदने में, बहुत सारा इसमें खर्चा होता है दवाई वगैरह में। तो आपको 1000 मुर्गे से जो शुद्ध इनकम होगी वो आपको 20,000 से लेकर 26-27,000 तक इनकम हो सकती है 45 दिन में, यानी कि 40 दिन में आप मान सकते हैं। सो 40 दिन में आपको 26,000 रुपये तक की इनकम इसमें हो सकती है। और अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो इनकम बढ़ सकती है, कम रेट मिल रहा है तो इनकम घट सकती है, कोई फिक्स नहीं है। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हैं तो आप अपने आसपास जांच करें, पूरी इसकी एक
शुरू से मतलब एक ट्रेनिंग जरूर लें इसकी। अगर आप सही मेहनत और लगन के साथ में इसको करते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस आपके लिए हो सकता है। तो अगर पशुपालन संबंधित और पोल्ट्री फार्मिंग संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर से मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद।